से केसेस बढ़ रहे हैं तो पहली चीज जो है वो मास्क हमेशा लगाए रखना और वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कल बोला था कि मुझे ड्यूटी जाना था, मैं ड्यूटी जाया गया, वहाँ पर सुबह में 4 बजे उठा, 4 बजे उठ के 9 बजे तक दिन डिलीवरी कर, 9 बजे के बाद और एक डिलीवरी करके कुछ 12 बजे या 12 बजे आने का जो पहला काम था वो सोना था। बहुत जल्दी 2 आलू पराठे खा के सो गया। सोने के बाद अब उठा तो नहा लिया तो थोड़ा बाल वाल भी देख रहे होंगे बिगड़े, अभी जाएगी इसको सेट कर दूँ। तो 5-6 दिन कैसे जाएगा मुझे खुद को नहीं पता, मगर अगर जो भी करेंगे मज़ा ही करेंगे, हमेशा मज़े करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम हो रहा है 3:21 आज मुझे ब्लॉग शुरू करा है, बहुत लेट शुरू करा है, मुझे पता है। मैंने बोला था घर वालों को 2 बजे उठाना, मगर खोला था ब्रो लेट लेती, फोन करने की आदत है अपनी, देखते हैं क्या होता है। अभी तो मुझे पहले रेडी होना, रेडी होकर फिर मैं बाहर जाता हूँ, और बाहर जाके पहला काम जो बना है हमें छत पे जाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। क्यों? मेरे पतंग का वीडियो है जो मैं लिया, वो लिंक है ऊपर जाके देख ले सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है ऊपर, तो मुझे जाके एक बार मुझे देखना पड़ता कि सही है। जाता हूँ पहले रेडी होना, सुबह भी होता हूँ तो एकदम रेडी होके आ गया। बस मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ। बाहर जाने से पहले पहली चीज़ जो करने की, फिर से केसेस बढ़ रहे तो पहली चीज़ जो है वो मास्क हमेशा लगाए रखना और सैनिटाइज़र रखना, क्योंकि मैं नहीं रखा क्योंकि पास ही जा रहा हूँ, कोई दूर नहीं जा रहा है। तो मतलब मैं स्मार्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो टी शर्ट है ये दिनेश ब्रो ने गिफ्ट करी है। तो दिनेश ब्रो थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। दिनेश ब्रो जिनको नहीं मालूम है वो जाके फर्स्ट ब्लॉग देख सकते हैं, मतलब एक प्रोमो शूट करा था मैं, तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दिनेश ब्रो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हालांकि हम बात नहीं कर रहे कुछ टाइम से, आज कॉल करता हूँ मैं। बाय द वे कैसा दिख रहा हूँ कमेंट डाउन करो, अभी चाहते हैं कर रहे भैया के वैसा मास्क पहनते रहना हमेशा। हमारी पतंग इधर उड़ रही, मगर पूर्व की पतंग उल्टी साइड उड़ रही है, साइड पे मतलब यहाँ पे नहीं वहाँ पे दिखता, नहीं दिखी क्या? उड़ रही मगर पतंग वहाँ पे, ये देखो रॉन्ग साइड। और हमारी पतंग किधर है? यहाँ। मतलब आज भगवान फुल खेलने के मूड में, बच्चों से खेलो खेलो आपका ही टाइम चल रहा। अब वापस आ गए तो बाहर बैठे हूँ घर के, क्योंकि मम्मी अंदर सो रहे, तो डूड मास्क कब उतार ले सकते? हाँ सही है, एकदम परफेक्ट। वहाँ पे शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि जगह अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब हो गई थी, जिस दिन उतना साफ करे उससे डबल ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए नहीं दिखाएं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें, दिखाएंगे फिर कभी हम जा किधर जाते, हम तो 14 तारीख तक संक्रांत तक यहीं पर। तो डूड बोलने का मतलब यही था कि देखे तुम कैसे उठ रहे थे पतंग, मतलब इधर उधर, और जाके मैं बोला क्या है सीन क्या है, बात हो गई। एक लक्की को गुस्सा हुआ, एक लक्की घर को चले गया, एक तो अभी प्रदीप भी चले गया मेरा दोस्त जादू, उन्हें पादू तो घर को चले गया, मैं यहाँ बैठे हूँ घर पे आ गया। तो कुछ करते हैं इंटरेस्टिंग, पहले भूख लग रही, खाना खाता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। और बाय द वे जिसने अभी तक मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा, यहाँ पे चैनल आई बटन पे लिंक है, देखो यहीं पे एग्जैक्ट, हाँ यहाँ क्लिक करो, ओके क्लिक करने के बाद वो भी वीडियो देख सकते हैं कि वीडियो ख़त्म हो गया। जब तक के लिए लाइक कर दो, मैं ज़रा खाना खा लेता हूँ। बाहर आया, बाहर आते कि मालूम पड़ा कि लक्की क्रिसमस पार्टी दे रहा, तो बारबेक्यू बनाना है, तो बारबेक्यू के किंग कौन हम, शेफ कौन हम? तो जादू बन गया शेफ और मोहित बन गया शेफ, दोनों एक ही है तो दोनों में कन्फ्यूज़ ना कौन। तो पहले अभी जाना है चिकन के लेग पीस, मतलब ब्रो भाई का भी नाम है थोड़ा बहुत कुकिंग में। Thank you.
हमारे मोहित भैया इधर काम कर रहे हैं, कुछ भी फेस भी नहीं दिख रहा है। चमकीली पतंग पिला रहा है मुझे। चलो फोटो। हमारे काम करते हुए अब स्ट्रिंग में आ गए। देख मैं पहले ही बोला भैया। खा लिए, मतलब खाने की वीडियो नहीं दिखाए, बस बनाने की दिखाई, क्योंकि बहुत जंगलियों की तरह खाते हैं इन लोग, जैसा डेविलदास दग्गे भिखारियों की तरह। मजाक, ये लाइट छोटा लो। तो ब्लॉग पे यहाँ पे खत्म होता है तो आज का ब्लॉग यही पे। इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन विल बी मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अरे छोटे लक्की क्या हो गया, देखो बहुत तेज हो रहे हो बेटा।